स्टूडेंट्स, आज हम हर्ड मानिया की मेंटल और बॉडी वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने जब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हर्ड मानिया की देखी थी तो उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। हर्ड मानिया की जो आउटर कवरिंग है इसे हम टेस्ट कहते हैं। टेस्ट के नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं मेंटल या बॉडी वॉल। इस टेस्ट को रिमूव करने के बाद ही हमको मेंटल या बॉडी वॉल दिखाई देती है और टेस्ट का सिक्रीशन मेंटल के थ्रू ही होता है। मेंटल टेस्ट के अंदर हैंग हुआ होता है और यह ब्रैंकियर और एट्रियल अपर्चर के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। जो मेंटल या बॉडी वॉल होती है ये ब्रैंकियल और एट्रियल अपर्चर के थ्रू जुड़ी हुई रहती है। ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन का भी फॉर्मेशन करती है। इधर ब्रैंकियल साइफन है, इधर एट्रियल साइफन है, तो इन दोनों साइफन का भी फॉर्मेशन होता है। मेंटल पूरी बॉडी में एक जैसे स्ट्रक्चर का नहीं होता है, ये एंटीरियर और डॉर्सल साइड में तो हाईली मस्कुलर होता है और थिक होता है, जबकि इसकी पोस्टीरियर साइड अगर अपन देखें तो पोस्टीरियर साइड में ये थिन होता है और ट्रांसपेरेंट होता है और लगभग बिना मसल्स के होता है। अब आगे हम एक इसका डायग्राम देखेंगे। ये देखिए आप, यहाँ ये मसल्स प्रेजेंट है, तो इसका एंटीरियर और डोर्सल पार्ट जो होता है वो तो हाईली मस्कुलर होता है और थिक होता है, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट कैसा होता है, थिन और ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें मसल्स नहीं होती है, इसीलिए इसमें से विसरल ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पर टेस्ट की बात कर रहे थे। इसमें तो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है जिसे हम वेंट्रल साइड भी कहते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट होने के कारण उसमें से इंटरनल ऑर्गन या विसरल ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। मेंटल चारों ओर से वाटर से भरी हुई एट्रियल कैविटी को घेरे हुए रहता है। अब आप यहाँ देखिए, ये एट्रियल कैविटी है, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको इसे हम बोलते हैं एट्रियल कैविटी। क्लियर? ये वाला जो स्पेस दिख रहा है ये क्या कहलाता है? एट्रियल कैविटी कहलाता है। अब ये जो पार्ट है पूरा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाली, ये लाइनिंग, इसे हम बोलते हैं मेंटल। तो मेंटल ने किसको कवर कर रखा है यहाँ पर, ये किसको सराउंड करके रखती है? एट्रियल कैविटी को सराउंड करके रहती है। तो मेंटल चारों ओर से वाटर से भरी हुई एट्रियल कैविटी को सराउंड करके रखता है और एट्रियल अपर्चर के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होती है। मेंटल का अगर हम हिस्टोलॉजी देखें तो इसमें तीन लेयर प्रेजेंट होती हैं। एक होती है आउटर एक्टोडर्म, एक होती है मेसोडर्म और एक होती है इनर एक्टोडर्म। तो सबसे पहले हम आउटर एक्टोडर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट और हेक्सागोनल सेल्स की बनी हुई है। तो ये जो पार्ट है मेंटल का, तो इधर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होगी उसे हम बोलेंगे आउटर एक्टोडर्म। तो हेक्सागोनल सेल्स की बनी होती है और ये पेरिकार्डियम वाले रीजन पर अंदर की तरफ ये टर्न हो जाती है और ब्रैंकियल और एट्रियल अपर्चर पर, तो वहाँ पर जाकर के आउटर एपिडर्मिस साइफन के बेस पर क्या बना देती है? एक तो स्टोमोडियम और एक प्रोक्टोडियम बना देती है। क्लियर? एक स्टोमोडियम बनाती है और प्रोक्टोडियम बनाती है। इनर एक्टोडर्म ये फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स की बनी हुई सिंगल लेयर होती है और ये एट्रियम की लाइनिंग बनाती है। अब आप यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था ये मेंटल है, इस मेंटल की इधर की तरफ तो क्या प्रेजेंट होगी? आउटर एक्टोडर्म, और इधर की तरफ क्या प्रेजेंट होगी? इनर एक्टोडर्म, जो किसको सराउंड करेगी? एट्रियल कैविटी को सराउंड करेगी। और जो बीच में प्रेजेंट होगी वो क्या प्रेजेंट होगी? मेसोडर्म। क्लियर? तो मेसोडर्म आउटर एक्टोडर्म के नीचे प्रेजेंट होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है एंड ट्रावर्स बाय मसल्स फाइबर, ब्लड सिनेसिस एंड नर्व फाइबर। क्लियर? तो यहाँ आप क्या देखेंगे, यहाँ तो होगी आउटर एक्टोडर्म, इधर होगी इनर एक्टोडर्म और बीच में होगी मेसोडर्म। अब इनके अंदर जो मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं वो मसल्स फाइबर अनस्ट्राइप्ड होते हैं, मतलब अरेखित होते हैं, और थ्री सेट्स में ये अरेंज रहते हैं। पहला है एन्यूलर मसल्स, दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और तीसरी है ब्रैंकियोएट्रियल मसल्स। एन्यूलर मसल्स ये सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में होती है और हर साइफन को ये घेरे हुए रहती है, ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन दोनों को। और ये क्या करती है? ये साइफन के कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है एन्यूलर मसल्स। अब आप यहाँ देखिए, ये जो मसल्स आपको रिंग शेप में दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं एन्यूलर मसल्स। ये क्या करती है? साइफन के कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स नंबर में ज़्यादा होती है और ब्रैंकियल और एट्रियल अपर्चर से स्टार्ट होते हुए सर्कुलर मसल्स के नीचे से होकर ये बॉडी के मिड पार्ट तक जाती है। अब आप देखिए, ये एन्यूलर मसल्स थी जिसको हम सर्कुलर मसल्स बोल रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इनके नीचे से स्टार्ट हो रही है, मतलब नीचे से जा रही है,
और ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इस ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर से स्टार्ट होकर इन सर्कुलर मसल्स के नीचे तक जाती हैं और ये बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन का काम करती हैं, क्लियर। तीसरी आती है ब्रेंकियो एट्रियल मसल्स, ये मसल्स बॉडी में अंदर तक दोनों साइफन के बीच में प्रेजेंट होती है, ये दोनों साइफन है इनके बीच में जो प्रेजेंट होगी उसे बोलते हैं ब्रेंकियो एट्रियल मसल्स, क्लियर। तो ये तीन टाइप की मसल्स के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं विसरा या इंटरनल ऑर्गन्स की। यहाँ हम देखते हैं लेफ्ट साइड में हमको क्या क्या पोर्शन दिखाई देते हैं हर्डमानिया में। तो सबसे पहले तो आप देखिए ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन दिखाई देता है, तो ये दोनों प्रोजेक्टिंग साइफन है जिसमें एन्यूलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिखाई देती है और ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर दिखाई देता है। तो यहाँ पर ब्रेंकियल एंड एट्रियल साइफन है, रिंग लाइक लॉन्गिट्यूडनल एंड एट्रियल मसल्स होती है, फिन फेरिंग्स और ब्रेंकियल सेक यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो नीचे की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होगा फेरिंग्स। फिर स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है और आगे आने वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, रेक्टम, क्लियर। ये लेफ्ट लीवर लॉब दिखाई देती है, साथ ही लेफ्ट गोनाड दिखाई देते हैं और एंडोस्टाइल दिखाई देती है, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है वो एक चॉकलेट कलर की एक बॉडी होती है जो स्टमक के जस्ट सामने दिखाई देती है, और लेफ्ट गोनाड जो है वो लॉबुलेटेड पिंकिश मास होता है जो इस इंटेस्टाइन के लूप में प्रेजेंट होता है, क्लियर। अब बात करते हैं हम राइट साइड की। राइट साइड में हमको क्या क्या दिखाई देता है, तो ब्रेंकियल और एट्रियल साइफन तो दिखाई देंगे, ये साइफन मसल्स भी दिखाई देती है, साथ ही न्यूरल ग्लैंड दिखाई देती है, एक पेरिकार्डियम दिखता है, राइट गोनाड दिखते हैं और एंडोस्टाइल दिखती है। तो ये राइट साइड में हमको ये पार्ट्स इसके नज़र आते हैं। अब बात करते हैं सिलोम और एट्रियम की। तो सिलोम यहाँ पर रिड्यूस्ड होती है क्योंकि यहाँ पर एट्रियम का ओवर डेवलपमेंट हो जाता है, तो एट्रियम के ओवर डेवलपमेंट के कारण जो एसिडियंस एनिमल होते हैं उसमें ट्रू सिलोम रिड्यूस्ड हो जाती है, और सिलोम का रिड्यूस्ड हो जाना इन एनिमल्स में डीजनरेशन का परिणाम होता है, ओके। तो एसिडियन एनिमल में सिलोम पेरिकार्डियल कैविटी, गोनाड और न्यूरल ग्रैंड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, तो इसको भी एक सस्पिशियस माना जाता है। अब हम बात करते हैं जो एट्रियम है वो क्या है। तो यहाँ जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसे हमने एट्रियम कहा था, तो ये एक स्पेसियस कैविटी है जो किसके थ्रू लाइन है, एक्टोडर्म से लाइन है। देखिए यहाँ पर, यहाँ हमने क्या पढ़ा था, जब मेंटल या बॉडी वॉल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने बोला था इधर आउटर एक्टोडर्म होगी, इधर इनर एक्टोडर्म होगी और यहाँ बीच में मीजोडर्म होगी। तो ये जो एट्रियम है ये किसके थ्रू लाइन है, एक्टोडर्म के थ्रू ही लाइन है। तो एट्रियम एक स्पेसियस कैविटी है जो एक्टोडर्म से लाइंड होती है। अब ये ट्रू सिलोम क्यों नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सिलोम जो होती है हमेशा मीजोडर्म से लाइंड होती है और ये एट्रियम एक्टोडर्म से लाइंड है, क्लियर। ये मेंटल के थ्रू कवर्ड रहती है और अ पार्ट ऑफ द एट्रियम सराउंड द फेरिंग्स। अब देखिए ये जो पार्ट है इसका एट्रियम का, ये इस पूरा फेरिंग्स को सराउंड किए हुए रहता है। फेरिंग्स के अंदर स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं जो इस एट्रियल कैविटी में ओपन होते हैं, और एट्रियम का वह पार्ट जो कि फेरिंग्स के डोर्सल साइड में होता है वो बहुत ही वाइड होता है, इसे हम कहते हैं क्लोएका, क्लियर। तो रेक्टम और गोनोडक्ट्स यहाँ पर ओपन होते हैं। अब आप यह देखिए, ये रेक्टम है और साथ ही जो गोनोडक्ट्स प्रेजेंट होगी वो कहाँ ओपन होंगे, इस वाले पार्ट में ओपन होते हैं। तो यहाँ जब ये ओपन होते हैं तो बाहर की तरफ वो एट्रियल साइफन के थ्रू, एट्रियल अपर्चर के थ्रू वो बाहर की तरफ इनकी ओपनिंग होती है। ये है एट्रियल अपर्चर। एट्रियल अपर्चर कहाँ है, एट्रियल साइफन में प्रेजेंट होता है। तो एट्रियल साइफन में कई टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एट्रियल टेंटिकल्स। ये देखिए आप, यहाँ जो आपको टेंटिकल्स दिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं एट्रियल टेंटिकल्स, जो कि एट्रियल साइफन के बेस पर प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू।